हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल टेक जुगाड़ है। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और बहुत दिनों बाद अब हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जो कि बहुत ही यूज़फुल है सभी वाईफाई यूज़र्स और नेट यूज़र्स के लिए। तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ब्रॉडबैंड वाईफाई का मॉडेम है और जब भी आप इसे यूज़ करते हैं, आप घर में नेट चलाने के लिए और वाईफाई रेंज के लिए इसको लगाते हैं, और भी कंपनीज़ के वाईफाई आते हैं, जैसे ही आपके घर में लाइट गोल होती है या पावर कट होता है तो आपका जो वाईफाई है वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो हमने आज इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट लाए हैं जिससे कि आप जो ये वाईफाई है इसका पावर कट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख सक बेसिकली ये एक वाईफाई का पावर बैंक है जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, कोई भी इसे बना सकता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या लगना है वो हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि ये वाईफाई है और यहाँ पे हम अगर इस वाईफाई की रेटिंग्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट्स 2.5 एम्पियर। तो ये बेसिकली 12 वोल्ट्स पे ऑपरेटेड है। और इसके अलावा जब हम देखेंगे कि इसके जो एडॉप्टर आते हैं, ये देखिए, तो ये भी 12 वोल्ट्स और 2 एम्पियर का एडॉप्टर है। इसके अलावा अब हमें यहाँ पर जो ज़रूरत है बेसिकली वो 12 वोल्ट्स की ज़रूरत है, और वो 12 वोल्ट्स हम पुरानी बैटरी से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाइक की बैटरी है, अगर आपके पास पुरानी कार बैटरी भी हो जो कि यूज्ड हो, नई बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पुरानी यूज्ड बैटरी जो कि आपके कार में ख़राब हो चुकी हो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से चलेगी और बहुत अच्छा बैकअप देगी। तो ये इसका सिंपल सा सर्किट है। ये जो इसका एडॉप्टर है जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एडॉप्टर जियो का, जो इसका मॉडेम का एडॉप्टर है। आप कोई सा भी दूसरा अगर मॉडेम हो आपका तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारी बैटरी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। आप अपने बाइक की ओल्ड बैटरी या कार की पुरानी बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत आसानी से इसमें बैकअप देगी। उसके अलावा यहाँ पे ये मॉडेम लगा हुआ है, ये जो है, और इसके बीच में ये जो हमने लगाया है यहाँ पे, ये फ़िल्टर कॉइल है। इसको आप आसानी से कहीं से भी जो पुराने जो SMPS है या पुराने पावर सर्किट है उनमें से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पुराना एक, तो इसमें ये जो वायर्स हैं चार, हम ये यूज़ करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, जिससे कि जो इसका जो बैटरी और इसका एडॉप्टर का जो वोल्ट है इसमें जाएगा वो फ़िल्टर होके जाए। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो ये जो हमारा एडॉप्टर था इसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से है। इसमें जो कलर कोडिंग दी हुई है, तो प्लस पे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन बनी हुई है, आप मीटर से चेक कर सकते हैं। तो ये सॉरी माइनस पे एक लाइन बनी हुई है, बाकी आप इसे मीटर से भी चेक कर सकते हैं इसकी पोलैरिटी। तो ये माइनस है, और उसके बाद ये जो रेड वाला है ये प्लस है। हमने इसी में बैटरी के वायरिंग जोड़ी है, तो ये देखिए, ये बैटरी चार्जिंग के लिए हमने डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया है। अब जो हमें इससे आउटपुट मिलेगा उसके बीच में हमने ये फ़िल्टर लगाया है, जो एक कॉइल है, पुराने आप किसी भी SMPS से निकाल सकते हैं। मैंने इसमें ये ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है, और उससे ही इसी ट्रांसफॉर्मर के आगे, इसी कॉइल के आगे हम जो इसकी जो पिन है इसे यूज़ करेंगे लगा के। तो जैसे ही ये लाइट रहेगी तो ये बैटरी जो है इसके थ्रू चार्ज होती रहेगी, और जब लाइट गोल हो जाएगी तो उसके बाद भी ये बैटरी के थ्रू चलता रहेगा। तो मैं आपको एक डेमो देखे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसे परमानेंटली सेटअप कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ये बैटरी थी, ओल्ड बैटरी जो बाइक की थी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और आप चाहें तो UPS की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी UPS की बैटरी इसमें कनेक्ट करी है, और मैं आपको जल्दी से इसमें वोल्टेज चेक करके बताता हूँ कि हमें इसमें 12 वोल्ट से 13 वोल्ट के आसपास चाहिए। तो ये जो हमारा कनेक्टर है मैं इसमें लगा रहा हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ पे 12.5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, और यही वोल्ट हमें चाहिए। और जब लाइट गोल होगी तो भी यही वोल्ट रहेगा, मतलब जो बैटरी चार्ज है उसके थ्रू ये चलेगा। तो मैं जल्दी से आपको इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो बैटरीज थी उन्हें दो अलग अलग तीन बैटरीज पे टेस्ट कर लिया है। ये देखिए, ये भी बाइक की बैटरी है, इसके पहले हमने जो दो ये बैटरी दिखाई थी ये भी बाइक की थी, और ये एक UPS की बैटरी थी। ये सारी बैटरीज पे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अभी देखेंगे आप यहाँ पे 12.9 13 वोल्ट के आसपास ये शो कर रहा है, और अभी मैं जब यहाँ से एडॉप्टर ऑन करता हूँ तो देखिए ये वोल्टेज जो है, ये अभी एडॉप्टर ऑन है, और मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूँ हमारे जो मॉडेम है उसमें, ये जो प्लग है मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैंने ये प्लग कनेक्ट किया है, ये ऑन हो गया है। यहाँ पे वोल्टेज रीडिंग जो है 12.99 है, और अब मैं इस एडॉप्टर को यहाँ से जो है मैं इसे निकाल दे रहा हूँ,
ये देखिए मैंने इसे निकाल के रख दिया है और ये बैटरी से ही चल रहा है अभी। तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। और लाइट जाने के बाद भी आप अपना जो मोडेम है या वाईफाई है उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें अगर जो मोडेम है उनके वोल्टेज अगर 9 वोल्ट और 5 वोल्ट के भी हों तो उसके लिए भी हम इसी तरीके का एक बैकअप बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।